हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। केंद्रीय मंत्री जदयू नेता आरसीपी सिंह पटना में हैं, अपने आवास पे। नज़ारा वहाँ का है और यहाँ पे कहा जाए तो एक बैठक का आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री पटना पहुँचे हैं और पटना पहुँचते ही उन्होंने तमाम अपने पार्टी के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, यू कहें तो जो उनके करीबी हैं, आरसीपी सिंह के करीबी हैं, उन सभी लोगों को अपने आवास पर बुलाया है। ये नज़ारा उनके पटना स्थित आवास की है। जब आरसीपी सिंह आए हैं तो उनसे मिलने के लिए जो बिहार के अलग अलग ज़िलों के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। हाथ में गुलदस्ते भी हैं, लोग उनसे मिलने के लिए पहुँच रहे हैं। हालांकि कई लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह औपचारिक मुलाकात है, लेकिन जो खबर है कहा जा रहा है कि राजगीर में एक आयोजन किया जाएगा, उसको किस तरह से सफल बनाना है उसको लेकर यह बैठक बुलाई गई है। और ख़ास तौर पे याद कीजिए, जब केंद्र में मंत्री बने थे आरसीपी सिंह उस वक्त की बात, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बनाया गया था, तो कई आरसीपी सिंह के करीबियों को जो उनके पद थे उनसे उस पद से हटाया गया था, और कई लोग काफ़ी नाराज़ भी दिख रहे थे। लेकिन जिस तरीके से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे आरसीपी सिंह, तो उस वक्त जो उन्होंने पार्टी और संगठन पर जो काम किया था, जो मेहनत किया था, हर रोज़ पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते थे, मुलाकात करते थे, चर्चा करते थे, और एक मैसेज उन्होंने दिया था कि हमने पार्टी और संगठन को काफ़ी मजबूत किया है, तो कहीं ना कहीं ये बैठक जो है, जो लोग मुलाकात कर रहे हैं, इस मायने में इस मैसेज भी एक है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं मेरा अभी भी संगठन पे पकड़ है। क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू में बातें कही जा रही थी कि ललन सिंह है राष्ट्रीय अध्यक्ष और आरसीपी सिंह जब केंद्रीय मंत्री बने तो तब तो कहा जा रहा था कि दो गुटों में पार्टी बट गई थी, दोनों के समर्थक भी। जब दोनों आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जब केंद्रीय मंत्री बने, जब एयरपोर्ट पर जिस तरीके से भव्य स्वागत किया गया था, तो मैसेज साफ गया था कि एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है। लेकिन ये तस्वीर है आरसीपी सिंह के आवास कि बाहर की, जहां तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, पदाधिकारी है जदयू के बिहार के अलग अलग ज़िलों से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं मुलाकात करने को लेकर। हालांकि मुलाकात औपचारिक ही बताई जा रही है। इस खबर में इतना ही, और भी आपको विजुअल के साथ छोड़ जाते हैं। देखते हैं लाइंस बिहार। नमस्कार।